हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लेसन नंबर 9 एनर्जी रिसोर्सेस, पार्ट 4 मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। मतलब हमें अभी यहाँ पे मैप से दोस्ती करनी है। यूज़ द मैप टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब इस मैप के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखो अभी ये मैप हमें दिया है, क्या है, इंडिया मेजर कोल एंड मिनरल ऑयल फील्ड्स, मतलब प्रमुख कोयला और खनिज तेल क्षेत्र, इसका मैप हमें यहाँ पे दिया है। देखेंगे हम क्वेश्चंस। नेम द स्टेट विच हैव कोल फील्ड्स। मतलब भारत के कोयले वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको मैप देखकर आंसर बताने हैं। नेम द मिनरल ऑयल फील्ड इन द अरेबियन सी। मतलब अरब सागर में स्थित खनिज तेल क्षेत्र का नाम क्या है। नेक्स्ट, नेम टू स्टेट्स विच हैव कोल फील्ड्स ऑन अ लार्ज स्केल। उन दो राज्यों के नाम बताओ जहाँ बड़ी मात्रा में कोयला क्षेत्र पाया जाता है। विच मिनरल ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से खनिज तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल आर फाउंड इन द गोदावरी बेसिन। गोदावरी नदी की घाटी में कौन से खनिज भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेट हैव मिनरल रिजर्व इन द गोदावरी बेसिन। मतलब गोदावरी नदी की घाटी में पाए जाने वाले खनिज भंडार किन राज्यों से संबंधित है। ओके, इन क्वेश्चन के आंसर आपको मैप देखकर बताने हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोगैस। बायोगैस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम बायोटिक वेस्ट मटेरियल सच एज फिशेस ऑफ एनिमल्स एंड डेड लीव्स शेल्स एक्सेट्रा। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक नीड्स सच एज कुकिंग, हीटिंग, वाटर, लाइटिंग लैम्प्स एक्सेट्रा। सम फार्मर्स हैव रेज बायोगैस प्लांट्स इन देयर ओन यार्ड्स टू cater to their domestic needs। मतलब देखो, प्राणियों के मलमूत्र और जैविक कूड़े का उपयोग करके बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है, और इस ऊर्जा का उपयोग रसोई घर में गैस का उपयोग, पानी गर्म करना, बत्ती जलाने के लिए किया जाता है, और कुछ किसानों ने अपने घर के अहाते में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है और उनके घर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण होती है इससे। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। मतलब कूड़े से ऊर्जा। वेस्ट इज जनरेटेड डेली ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सच प्लेसेस। दिस वेस्ट कैन बी सिग्रीगेटेड टू यूज द बायोटिक कंपोनेंट्स टू जनरेट गैस। दिस गैस कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इन फ्यूचर दिस मे हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट disposal in cities. Also, the cities can become self-reliant in terms of their power requirement. मतलब बड़े शहरों और महानगरों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल। ओके, और इन महानगरों में कूड़े का निपटारा करना बहुत बड़ी समस्या होती है, और यहाँ के कूड़े का वर्गीकरण करके उसमें से जैविक कूड़े का उपयोग गैस उत्पादन के लिए किया जाता है, और इस गैस के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, और इससे महानगरों की कूड़ा समस्या पर भविष्य में विजय पाई जा सकती है, और इसके साथ ही विद्युत उत्पादन के विषय में
महानगर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द अबो एनर्जी रिसोर्सेज आर नोन एज बायोफ्यूएल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ऊपर दिए सभी ऊर्जा संसाधन वनस्पति एवं प्राणियों के मृत अवशेषों से बनते हैं, इसीलिए उन्हें जैविक ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी, मतलब परमाणु ऊर्जा। स्प्लिटिंग ऑफ द एटम्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन। इन दिस प्रोसेस यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया, यूएसए, रसिया, फ्रांस, जापान यूज एटॉमिक एनर्जी। मतलब यूरेनियम थोरियम जैसे परमाणुओं के विखंडन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है और इसके लिए बहुत अल्प मात्रा में इन खनिजों का उपयोग करके विपुल मात्रा में ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। ओके, और भारत के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान जैसे देशों में ही इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस, उसमें हाइडल पावर मतलब प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन है, और उसमें पहला है जल ऊर्जा, हाइडल पावर। ओके, हाइडल पावर इज पावर ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। हाइडल पावर डज नॉट कॉज एनी डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अल्सो वाटर यूज इन जनरेटिंग पावर कैन स्टिल बी यूज अगेन। भाकरा नांगल इन द पंजाब एंड कोयना इन महाराष्ट्र आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। मतलब बहते पानी की गतिज ऊर्जा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और जल ऊर्जा के कारण पर्यावरण की हानि नहीं होती तथा जल विद्युत का उत्पादन करते समय उपयोग में लाए गए जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे पंजाब की भाकरा नांगल और महाराष्ट्र की कोयना परियोजना इत्यादि, यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, और नीचे है नेम फोर हाइडल पावर स्टेशंस इन अवर स्टेट। मतलब अपने राज्य के चार विद्युत केंद्रों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, नेक्स्ट है विंड एनर्जी। मतलब क्या विंड, मतलब क्या पवन। ओके, पवन ऊर्जा। मैन हैज़ बीन यूजिंग दिस रिसोर्सेस सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल इन सेलवर्स, बट नाउ अडेज विंड एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन। फॉर पावर जनरेशन अ विंड स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर पर आवर इज रिक्वायर्ड। ड्यू टू दिस विंड स्पीड द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स टर्न जनरेटिंग काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मानव इस संसाधन का उपयोग सैकड़ों वर्षों से करता आ रहा है, और जैसे
पाल पर चलने वाली जलपोत, परंतु पवन शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करना अभी अभी प्रारंभ हुआ है। और पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की गति प्रति घंटा 40 से 50 किमी होना आवश्यक होता है, और हवा की गति से पवन चक्की के पत्ते घूमने लगते हैं और गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। इस गतिज ऊर्जा का रूपांतर विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ओके, दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा। विंडमिल्स हैव बीन इरेक्टेड एट मैनी प्लेसेस। मतलब इस ऊर्जा का उपयोग खेती, घरेलू उपयोग और उद्योगों के लिए किया जाता है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे राज्यों में अनेक स्थानों पर पवन ऊर्जा केंद्र है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।